मैं वही बोल रहा हूँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। मंगलवार का दिन है, सुबह सुबह। आज तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गया। इन्हें आज तू क्या लेके बैठ गई सुबह सुबह? ड्रेस लेके बैठ गई। भाई रक्षाबंधन को बाहर जाना है तो हिना अभी से तैयारी करने लगी। तो कल जावन छे। अच्छा कल जाना है, कल भी जाना है। तो तेवर भी आ ही रहे हैं पीछे पीछे। हाँ, अभी तो लगातार तैयारी ही करनी है। अच्छा तो आज कौन सा सावन महीना का कौन सा आज दिन है? नौवां दिन है, यानी कि नौम, गुजराती में नौम बोलते हैं। अच्छा श्रावण महीना नौमो दिवस। ओके नौम अच्छा ना आज? हाँ नौम है ना, मुझे क्या मालूम। આપણે લોચા થાય ને, નોમ છે કે નહીં કે છે કે નહીં, એવી જ રીતે બધાને લોચા થાય, એટલે અમે લોકોએ નક્કી કર્યું ગુજરાતી મહિનો અને તિથિ બોલવાનું રોજ। તો ચલો ભાઈ, હિના સુવિચાર, હિના ને આજ મેં સુવિચાર સુનાતા હું, રોજ તું બોલતી, આજ એક સુવિચાર મેં બોલ દેતા હું, ઠીક છે? હા બોલો બોલો, સમજ મેં આવે તો બોલના, માર દો ના સુવિચાર। આ તો હમ સુવિચાર માર દેતે હૈ, માર દેતે હૈ સુવિચાર। कभी कभी आप भी मारा करो ना, ना, कभी लोग गाइस लोगों को पता चले कि किसके सुविचार में दम है। दम है हाँ, अगर सुविचार में दम लगे इसके या मेरे तो कमेंट जरूर करना। बाप प्यार करता है, कुछ भी कहता नहीं, जब तक बेटे के समझ में आए तब तक बाप रहता नहीं। सही बात है, सही बात है। तो ये मेरे कोई भी, ये मेरे साथ भी हुआ है, पर मैं पापा के साथ अच्छा समय बिताया, अच्छे से अच्छा समय बिताया, बा के साथ भी मैं बिता रहा हूँ, बरोबर। पर कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती है, क्योंकि हम कितना भी जिए, अपनी बीवी हो, बच्चे हो, बा हो, पापा हो, सबके साथ जितना भी जिए, पर वो कमी हो जाता है। तो गाइस पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे के पीछे अलग अलग मत हो जाओ कमाने के लिए। साथ रहो, साथ खाना खाओ, साथ घूमो, साथ फिरो, अच्छी अच्छी बातें करो, तो वो सब सारेगा। बाद में जितने भी पैसे आप कमा लोगे, बरोबर, तो उससे ये समय वापस कभी नहीं आएगा। क्या बोलती हो? सही बात है। हम भी वो पिछला समय याद करते हैं ना, वैसे ये समय भी सिर्फ याद ही करेंगे, याद ही करेंगे। तो जितना भी जियोगे साथ में, आपने बोला कि हम जीते हैं, हम माँ बाप के साथ, बच्चों भी बच्चों के साथ घूमते फिरते हैं, पर वो भी कम ही पड़ेगा। कितने भी अपना बेटा छोटा हो तो उसको कितना भी हम घुमाने ले जाए सब, तो वो भी कम ही पड़ता है। आज की तारीख में वो भी कम पड़ता है, तो सब चीज़ें कम ही पड़ती है। तो कुछ किया होगा ना, तो चलो ऐसा तो लगेगा हमने साथ रहे हैं, हमने साथ घूमे हैं, हम एक साथ खाना खाए हैं, रात को हमने एक साथ चाय पी है, तो वो सब आपको संतोष देगी। हमारे कानों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साथ बैठ के चाय पी है वो। वो मेरे को बहुत याद रहेगा। जब मेरे पापा थे तो हम रात को 12 बजे 11 बजे हम बा को बोलते, बा चाय बनाओ चाय बनाओ, तो बा चाय बनाते, हम बाहर बैठ के तीनों पीते थे, आदमी और बा दोनों पीते हैं, पर हम वो चाय वाला पीरियड है जो हिस्सा है हमारे लाइफ का, वो हम बरकरार रखते हैं। इना आज भी रोज जब रात को सोती है तो 2 कप चाय का बना के ही सोती है, मेरे लिए बा के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। हम बाद में जब काफ़ी समय बीत जाएगा तो हम याद करेंगे, तो वो इससे हमको सब याद आएंगे। तो मतलब मेरा कहना का तात्पर्य है, आप साथ रहो, साथ रहो, साथ जियो, यादें बनाओ। हाँ, जैसे हिना की मम्मी के गए हुए तीसरा महीना हो गया, 3 महीना पूरा, 3 महीने पूरे हो चुके हैं, तो वो भी ऐसा बोलती है, मुझे भी बहुत अफसोस है, अफसोस है कि मैं अच्छी तरह बात नहीं कर पाई, मैं अच्छी तरह यहाँ रहते थे तो उसके साथ घूम नहीं पाई, पुरानी बातें याद नहीं कर पाई, कुछ दिल की बातें बता नहीं पाई, काफ़ी जो हिस्से वो कम पड़ गए। मम्मी होता जे भाई एकदम सिंपल सादा था, मतलब कोई दिवस कहीं याद न करता, इनोसेंट। हाँ એટલે એવું કઈ બહુ યાદો બની નહીં, એટલે મને હવે અફસોસ થાય, મને એમ થાય મારા મમ્મી બિચારા હતા ને, તો આમ ન કર્યું તેમ ન કર્યું, એટલી જલ્દી ખબર નથી કે જતા રહે, તો સમય કા કુછ ભરોસા નહીં। ऐसा नहीं है कि भाई बुजुर्ग होते हैं तो ही वो चले जाते हैं, छोटे बच्चे भी चले जाते हैं, हमारी उम्र के भी चले जाते हैं, ये समय बहुत फास्ट है, कुछ भी हो सकता है, तो बने उतना एंजॉय करने का, एंजॉय करो आज के लिए, पैसा 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 मत करो, पैसा की ज़रूरत है, मैं भी जानता हूँ पैसा इम्पोर्टेंट है, पर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि घर का हर एक आदमी अलग अलग हो जाए पैसे कमाने के लिए। पैसे हम साथ रह के भी कमा सकते हैं, घर हम साथ रह के भी चला सकते हैं, थोड़ा संतोष रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और क्या बोलते हैं, थोड़ी धीरज रखिए, संयमता, हाँ वो ज़रूरी है। तो चलो गाइस,
अभी दोपहर हो जाएगी, नीलू आर्यन को तुमको लेने जाना है और मुझे जाना है काम पे। मेरे को भी काम है अभी घर में। अच्छा बैठ के बातें करना तो अच्छा लगता है, बाद में काम रहता है, दौड़ा दौड़ी हो जाती है। अच्छा तो मैं सोचा सुबह सुबह तो ड्रेस लेके बैठ गई है, तो चलो हिना कुछ बाहर जाने वाली है। नहीं, वो मुझे थोड़ी सिलाई करनी थी, कल पहनना है ना। तो चलो गाइस, फिलहाल हमने बाहर धूप निकली है तो हमने हमारे गमले को ऊपर चढ़ा दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो हमने दोनों गमले को ऊपर चढ़ा दिया क्योंकि धूप थी, धूप में ज़्यादा निखर के बिखर के जो भी आना है वो आ जाएगा। फिर मैं सावला हो गया, मैं मुझे घूमना पड़ेगा, तो घूम गया। हाँ अभी लाइट हो गया। तो हिना हमारा चाय का क्या प्रोग्राम है, चाय बाय लाओ, चाय बाय पीते हैं फिर हम निकलते हैं। तो चलो गाइस फिलहाल हम निकलते हैं। आज बहुत सारी रैली निकलने वाली है, तिरंगा 15 अगस्त को हर घर पे तिरंगा लहराने वाला है, हर घर तिरंगा। तो हम भी हमारे घर में बहुत सारे तिरंगे लगाने वाले हैं 15 अगस्त को, पूरा घर हम रैली तो निकलेगी पर तिरंगा भी लगाना है घर पे, बहुत सारे तिरंगे लगाना है। और आज जो रैली निकल रही है क्या है भाई बीच में बोलो। मैं वही बोल रहा हूँ, भाई जो सब जगह पे रैली निकल रही है, मैं आपको आज थोड़ा रैली का वीडियो बताऊंगा, तो आप देखना, बहुत मजा आए। जो घर से बुजुर्ग लोग नहीं जा पाते, जो रैली में भीड़ में नहीं जा पाते, तो वो थोड़ा बहुत मैं जितना उतर सकता हूँ उतना मैं आपको दिखाऊंगा, तो जरा देखिए।
रैली में गई, बहुत मजा आया, देशभक्ति वाला पूरा माहौल बना था, तो मैंने बने उतना वीडियो लिया है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। तो फिलहाल हम बाकी अभी भजन बाकी है, तो बाका भजन हम सुन लेते हैं, सुनते हैं, लास्ट में हिना आपको महादेव का दर्शन तो करवाएगी। એના માટે તો ભગવાનને પછી પ્રાર્થના કરવી પડે, ભગવાનને એમ કહે કે ભગવાન મા બાપ બનીને રે, ભગવાનને એક મા બાપ જ છે આપણે, ગમે તે કંઈ આપણને તકલીફ સુખ દુઃખ આ પડ્યું હોય તો આપણે ભગવાનને ફરિયાદ કરવા છીએ કે તમે આનો કંઈક રસ્તો કાઢો એમ। એના માટે આપણે ભગવાનને કહીએ ને તો મને જડતો નાથી કિનારો મારો ક્યાંથી આવે યારો, મારા સાસા કેવાનો હારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી, તું સંકટના હરના રા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી, તું સોરું કસોરું થાય પણ તું માવતાર કહેવાય, ઓ મીઠી છાયા ના દેના રા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી, મારા સંકટના હરના રા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી, શ્રીકૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય। 2 hours later गाइस, भोलेनाथ का दर्शन के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय भोलेनाथ, बाय बाय।